संतप्त मानस शांत हूँ, जिनकी गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। गाथा नंबर 43, कल 42 नंबर की गाथा चली थी, उसका अंतिम जो निष्कर्ष है वो अपन पढ़ लेते हैं, जिससे अपन को मालूम पड़े कि पिछली गाथा में क्या कहा गया था। यद्यपि दो लाइनों में इस गाथा की उत्थान का में भी वो बात कही है, फिर भी विस्तार से जानने के लिए पेज नंबर 202। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से एक ही बात स्पष्ट होती है कि गेयों को जानते समय जो उनमें ही अटक जाते हैं, उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करते हैं, उनके लक्ष्य से अथवा उन्हें आधार बनाकर रागदेश रूप प्रणमित होते हैं, वे सभी गेयार्थ प्रणमन स्वभाव वाले हैं। कहा जो गेयों को जानते हुए गेयों में अटक जाते हैं, इतनी सी बात है, अटक जाते हैं। लेकिन अटक जाते का अर्थ क्या? उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करना, उनका कर्ता भोक्ता बनना, उनमें राग द्वेष करना, ये अटक जाने का अर्थ ये है। देखो जिसने लिखा ना, गेयों को जानते समय उनमें ही अटक जाते हैं, तो उनमें ही एकत्मक। जब उसी बात को ज़्यादा स्पष्ट करना होता है तो कोमा लगा करके अगली बातें लिखते जाते हैं। उनमें ही एकत्मत्व स्थापित करते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करते हैं, उनके लक्ष्य से अथवा उन्हें आधार बनाकर रागदेश रूप प्रणमित होते हैं, वे सभी गेयार्थ प्रणमन के स्वभाव वाले हैं। उन्होंने कहा गेयार्थ प्रणमन क्या है? तो गेयार्थ प्रणमन ये है, यह गेयार्थ प्रणमन क्रिया अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को परगेयों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक होती है। सविकल्प ज्ञानियों के चारित्र मोहजन्य रागद्वेष रूप होती है, हर्ष विषाद रूप होती है, विकल्पात्मक होती है, तथा वीतराग छदमस्तों के अस्थिरता रूप होती है। माने तो पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक एक गेयार्थ रूप प्रणमन क्रिया होती है। यद्यपि ये पहली जो बताई है वो मुख्य रूप से मिथ्यात्व संबंधी ही है, लेकिन विकल्प तो सम्यक्त हो जाने के बाद भी, ये निर्णय पक्का हो जाने के बाद भी ये बने रहते हैं। जैसे देखिए, सम्यक दृष्टि कोई ज्ञानी धर्मात्मा अपन में ऐसे ही हो जाए तो भी उसे ऐसे ही विकल्प आएंगे कि सुबह चलो मंदिर चलना है, क्लास में है जाना है, ये करना है, ये पढ़ाना है, ऐसे विकल्प तो बराबर आते ही रहते हैं ना। सम्यक दर्शन होते ही तो ये बंद नहीं हो जाते, केवल ज्ञान होने पर बंद हो जाते हैं। तो जो केवल ज्ञानी की परिणति है वो एकदम अलग प्रकार की है, और चूंकि हमें उसका बिल्कुल भी उसका कोई नमूना यहाँ नहीं है हमारे पास, हमारी जो है जितनी परिणति है वो सब क्षयोपशम ज्ञान वालों की जैसी की परिणति है ना। इसलिए हमें उसी का अनुभव है, और उसी से हम केवल ज्ञान वाले भी जानते होंगे तो हमें वैसे ही समझ में आता है। लेकिन केवल ज्ञान वाले बिल्कुल सब विकल्पातीत हो जाते हैं ना, सम्यक दृष्टि तो विकल्पातीत नहीं होते हैं, है ना। और बारीकी से नहीं देख पाओ तो उनके जो विकल्प होते हैं उनमें और मिथ्या दृष्टियों के विकल्पों में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि जे हम प्रथमान योग में पढ़ते हैं रामचंद्र का, भरत चक्रवर्ती का, और भी जितने ज्ञानी धर्मात्मा हैं उनका वर्णन आता है, तो वो रागदेश की प्रणति उनमें वैसी ही देखी जाती है
ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, कभी कभी तो सम्य दृष्टियों में ज्यादा राग द्वेष दिखाई देता है और मिथ्या दृष्टियों में कम। सीता का अपहरण हो गया तो रामचंद्र जी जंगल में पेड़ पौधों से पूछते फिरे, लक्ष्मण ने नहीं पूछा किसी से, क्या कहे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो गेयार्थ प्रणमन क्रिया वहां तक देखी जाती है, अभी यहाँ तो ये कहना चाहते हैं कि वो बंध का कारण गेयार्थ प्रणमन क्रिया है। ज्ञानियों अज्ञानियों के उन प्रकृतियों का बंध होगा मिथ्यात्व सहित अनंत अनुबंधी सहित, और ज्ञानियों के जो 41 प्रकृतियां बंध नहीं होती हैं उनको छोड़कर बाकी प्रकृतियों का बंध होगा, बंध तो होगा। अब जो वो बंध होता है उसी बंध होने में जो खतरनाक प्रकृतियों का बंध होता है तो उसे बंध होना कहते हैं, और जो ऐसी साधारण प्रकृतियों का बंध होता है तो उसे हम बंध होना नहीं कहते। इसमें एक दो बातें हैं जो बताने लायक है, मैं अभी बताऊंगा। देखो यह गेयार्थ प्रणमन क्रिया अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को पर गेयों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है, और सविकल्प ज्ञानियों में चारित्र मोह जन राग देश रूप होती है। आप कौन से इसमें चारित्र मोह जन राग देश कौन से, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन कषाय से होने वाले, और हर विषाद रूप विकल्पात्मक होती है, और वीतराग संमस्त 11वें 12वें गुणस्थान वाले इनके अस्थिरता रूप हुई है। तात्पर्य यह है कि क्षयोपशम ज्ञान में जाने गए गेय पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से राग द्वेष प्रणमन ही गेयार्थ प्रणमन है। बहुत संक्षेप में ये बात कह दी, गेयार्थ प्रणमन का मतलब ये है कि उनके लक्ष्य से प्रणमन। ऐसा गेयार्थ प्रणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और न इस प्रकार के प्रणमन वालों को केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले यहाँ पर मतलब भोगने वाले हैं, माने कर्म का जो फल है बस भोगते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। अनुभव करने वाले का जैसे बार बार जो अनुभव आता है ना, अपने अनुभव के महिमा अपने चित्र में बहुत जमी है तो कभी कभी हमारा ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन साथ में लिखा ना कर्म का अनुभव करने वाले, कर्म का अनुभव करने वाले कर्म को भोगने वाले हैं। इसलिए जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की कामना हो वे गेयार्थ प्रणमन से विरक्त हो निज भगवान आत्मा में रमण करें। विगत गाथा में यह कहा गया है कि गेयार्थ प्रणमन क्रिया वालों को केवल ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञानी के गेयार्थ प्रणमन क्रिया नहीं होती। अब इस 43वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि यदि ऐसा है तो फिर इस गेयार्थ प्रणमन और उसके फलरूप जो क्रिया का कारण क्या है, आखिर यह होती कैसे है। गेयार्थ प्रणमन क्रिया का कारण बताने वाली 43वीं गाथा मूलतः इस प्रकार है। अब वो कहते हैं कि यदि इसमें निष्कर्ष क्या रहा कि गेयार्थ प्रणमन रूप जो क्रिया है वो बंध का कारण है, बस खत्म। इतनी सी बात उन्हें कहना थी, जो इन्हें इतना विस्तार से सब बात कही, कल का पूरा व्याख्यान हुआ और आज की अभी तक बात हुई। अब गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया माने गेयों के लक्ष्य से जो भी एकत्व मत्व और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व और राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष माने 25 कषायें, राग द्वेष माने चारित्र मोह जन है, यदि इनको छोड़ दो तो 25 नहीं होंगे तो 21 होंगे, और कर्तृत्व भोक्तृत्व माने मिथ्यात्व माने मोह राग द्वेष होते हैं। सीधी सच्ची बात कहें, कैसे गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया रूप प्रवृत्ति होने से मोह राग द्वेष होते हैं। अब कौन से मोह राग द्वेष, मोह माने तो होता है दर्शन मोह, राग द्वेष माने होता है चारित्र मोह,
पहले से चौथे पहले गुणस्थान में होता है दर्शन मोह, और आगे के सब गुणस्थान में ऊपर जाकर के देखेंगे तो होता है चारित्र मोह। तो ये चारित्र मोह और दर्शन मोह के उदय में जो राग देश रूप प्रणमन होता है, मोह राग देश रूप प्रणमन होता है, वो बंध का कारण है। अभी इसमें एक बात आई थी, अगली गाथा में आएगी वो, तो अब गाथा पढ़ो अगली। उदय गदा कम मनसा विमोह माने छाप तो है, वो मोह भी कहते हैं, विमोह भी कहते हैं, छंदानुरोध से जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है। अब कहते जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि उसके माने गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया वाले के नियम से कर्मों का उदय होता है और उससे राग देश मोह होते हैं और उनकी वजह से वो निरंतर बंध का अनुभव करता है, बंधु को भोगता है। अभी इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार करते हैं, संसारी जीवों के उदयगत पुद्गल कर्मांश नियम से होते ही हैं। ऐसा नहीं कि जिनके हों उनको बंध होता है वे भोगते हैं, जिनके नहीं हों उनको नहीं होता। कहते संसारी जीवों के नियम से वो होते ही हैं और उन उदयगत पुद्गल कर्मांशों के होने पर यह जीव उनमें ही चेतते हुए अनुभव करते हुए मोह राग देश रूप प्रणमित होने से गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया से युक्त होता है और इसी कारण क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मोह के उदय से ही क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञान से नहीं। अब ये कमेंट्स हैं, आचार्य अमृतचंद तो यहाँ मात्र इतना ही कहते हैं कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है और मोह राग द्वेष ही बंध के कारण है, इतना ही कहते हैं। अब आचार्य जयसेन कहते हैं कि ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है और अघातिया कर्मों के उदय से जो संयोग होते हैं नो कर्म वे भी बंध के कारण नहीं है और कर्मोदय भी बंध का कारण नहीं है, कर्म के उदय से भी बंध का कारण नहीं है। अब तीन बातें हो गई। अमृतचंद ने तो अकेला उतना ही कहा था मोह राग द्वेष बंध के कारण है और ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अब इनने ये तीन बातें कही, तीन बातों में क्या आ गया कि एक तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है और अब दूसरी वो कहते हैं कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म के उदय में ऐसा कहते हैं मोह राग द्वेष होते हैं और वो बंध के कारण है ना, लेकिन कर्म के उदय में अकेले मोह राग द्वेष ही थोड़ी होते हैं, वो तो अकेले मिथ्यात्व तो और चारित्र मोह दर्शन मोह चारित्र मोह कर्म के उदय से होते हैं वे, तो बाकी के भी सात कर्म है ना और उनके उदय से भी तो कुछ होता है कि नहीं, तो जो होता है वो बंध का कारण है। आप समझ जाए ना, माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, दर्शनावरणी कर्म के उदय से, वीरांतरा कर्म के उदय से, यदि हम शरीर में कमजोरी है, शरीर में नहीं माना वीर अंतरावन अंतराय कर्म के उदय से वीर में कमजोरी है तो उससे कोई बंध नहीं होता है और अघातिया कर्म के उदय में जो संयोग मिलते हैं उन्हें नो कर्म कहते हैं तो उनसे भी बंध नहीं होता,
जो मैं कई दफे कहता रहा हूँ इसी सभा में कि सात कर्म तो बिना संतान के ही जाते हैं, अब नपुंसक हैं ये कहते रहे ना, उनके संतान नहीं होती, माने जो हमें वे बन गए अच्छे बुरे जैसे भी, और वो उदय में आएंगे और उनके जैसा भी फल मिलेगा, संयोग जैसे मिल जाएंगे, बस खत्म, उनका खेल यही खत्म है। अब उन संयोगों में आप रमो और फिर नया राग द्वेष करो तो बंद होगा, लेकिन उनके मिलने से आपको बंध नहीं होता। ये बहुत साधारण बात नहीं है, ये इसका अर्थ मालूम क्या हो गया, आपके पास जो ये परिग्रह है ना, जैसे हम वहां भयंकर पाप कहते हैं और बहुत धंधी बहुत नरक गति जाएंगे और ऐसा सब बोलते हैं ना, वो कहते इससे बंध नहीं होता। दिलीप भाई समझ में आए ना, अभी जल्दी ज्यादा खुश मत हो जाना, समझना यहाँ क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये संयोग अघातिया कर्म के उदय में हमें मिले हैं, तो यदि इनमें हम अपनापन नहीं करें, इनके लक्ष्य से हम राग द्वेष नहीं करें, तो ये भविष्य में हमारे लिए कर्म के बंध के कारण नहीं होंगे। स्त्री पुत्र बाल बच्चे 96,000 पत्नियां भरे चक्रवर्ती कोई बंध का कारण नहीं है। अब उदय से जो कुछ हुआ वो बंध का कारण नहीं है, अब इनमें हम राग द्वेष करें तो वे तो राग द्वेष बंध के कारण हुए ना, और वे हमने किए और वे कर्म के उदय से नहीं किए, वे चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से किए। अंतर समझ में आ रहा ना, इन सात कर्मों के उदय से ये संयोग मिले और इनसे राग द्वेष हमने मिथ्यात् और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किए, हमने कहा निकाल में ना, तो ये वे सात कर्मों का उदय निरर्थक है, आगे संसार की वृद्धि का कारण नहीं है। और ये जो दर्शन मोह चारित्र मोह के उदय से हम मोह राग द्वेष करेंगे ये बंध का कारण है। तो जब जब वे कहते हैं कि कर्म के उदय से मोह राग द्वेष होते हैं, मोह राग द्वेष से कर्म बंध होता है, तो इससे वो लगा हुआ है चक्कर खड़ा हो गया है। लेकिन इसमें चक्कर कहाँ, सात कर्म में तो वहां खत्म हो रहा ना मामला, एक ही का चक्कर चालू है अब। और वो कहते हैं कि वो सब चीजें मिली तो उनके मिलने से आप उन्हें अपना मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनके कर्ता भोक्ता बनने के लिए बाध्य नहीं है, समझे ना। तो कर्म का काम तो वहीं खत्म हो गया कि आपको उपलब्ध हो गया खत्म, अब उसमें आप राग द्वेष करें तो आप दुख भी, तब दुख भी नहीं होता उनके मिलने से। किसी को काला शरीर मिल गया तो उसे दुख थोड़ी होता, जब वो काला शरीर में ऐसा रे रे मेरा काला है लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा जो खेद करता है ना, दुख का कारण वो है। और वो खेद में उदय किसका निमित्त है, दर्शन मोह और चारित्र मोह का, समझे ना। तो वो साथ तो ऐसे ही मन ऐसा समझ लो कि एक बाप के 8 बेटे होते हैं, तो 7 बेटे की तो संतान ही नहीं होती है, पूरा परिग्रह होता है, पत्नियां होती हैं, सब होता है, लेकिन संतान नहीं होती है, देवों के संतान नहीं होती है, भोग भूमियों में होती है तो 1-2 नक्की होती है खत्म, तो उनकी संतान ही नहीं होती है, इसलिए उनका तो वंश ही नहीं चलता है। अब एक के 8 हुए और फिर एक एक के 8-8 हों तो 64 हो जाएंगे ना, और फिर 64 के एक एक के 8-8 ऐसे होता जाएगा तो कितनी परंपरा बढ़ जाएगी। लेकिन इतना संसार बढ़ता क्यों नहीं है, हमारा परिवार हमारे बाप दादों में आकर के फिर वो क्यों सिमट जाता है, क्योंकि उनमें ऐसा ही होता रहता है। फिर इतना 5 बच्चे हो गए, 2 के ही आगे बढ़ते हैं, बाकी 2-3 का खत्म हो जाता है, फिर आगे अगली पीढ़ी में इसका खत्म हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है, और टोटम जी जैसे विद्वानों की अभी कोई नहीं दिखते हमको उत्तराधिकारी, उनके तो बेटे थे बेटियां थी, कुमानी राम जी हरिश्चंद जी 2 बेटे थे 1 बेटी थी, लेकिन उनके अभी नहीं दिखते हैं, फिर खत्म।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना वो होने पर भी आगे की परंपरा ऐसा एक एक आदमी को पकड़ो आप अपने जो पहचान वाले हैं तो उनमें देखेंगे कि 100 में से 80 की परंपरा खत्म हो गई। क्या समझ में? 80 की परंपरा खत्म हो गई और ये 20 की जो चल रही उसमें ही इतनी संख्या बढ़ रही है। अभी यहां 3 चीजें थी ना, कौन कौन सी गेहार्थ प्रणमन में? एक तो केवल ज्ञान जो बंध का कारण नहीं है, दूसरा कर्म के उदय, 7 कर्मों का उदय वो बंध का कारण नहीं है, और तीसरे अघातिया कर्मों के उदय से होने वाले जो संयोग माने नो कर्म, तो कर्म बंध के कारण कर्म का उदय और कर्म नो कर्म बंध के कारण नहीं है, ऐसा जैसे ना चाहिए इसमें से अर्थ निकाला। उनने तो इतना ही कहा कि केवल ज्ञान बंध का कारण, ज्ञान बंध का कारण नहीं। तो अकेला ज्ञान कह दिया ना तो वहां भी उनका अर्थ केवल ज्ञान सही है, क्योंकि केवल ज्ञान के ही नहीं होता है बंध, नीचे वाले के तो उनके राग होता ना नियम से, इसलिए उनके बंध होता है। तो वे गाथाएं कहीं ना उसके नियम से जघन्य प्रणमन होता है इसलिए बंध होता है, वे गाथाएं याद आई क्या नहीं कुछ? अब आप समझो तो फिर पढ़ता हूं तो आपको अंदाज ख्याल में आएगा। आचार्य अमर चंद्र तो यहाँ मात्र इतना ही कहते हैं कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, मोह राग द्वेष ही बंध के कारण है, किंतु आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं कि न ज्ञान बंध का कारण है और न कर्मोदय बंध का कारण है, बंध का कारण तो मोह राग द्वेष भाव ही है। यहाँ एक चीज जुड़ गई, कर्मोदय है ना, और फिर आगे अभी और जोड़ेंगे एक और। वे उत्थानिका में ही लिख देते हैं कि अनंत पदार्थों के जानने रूप परिणमित होते हुए भी ना तो ज्ञान बंध का कारण है और ना रागादि रहित कर्मोदय ही बंध का कारण है, यह निश्चित करते हैं। अब सुनिए, देखो ज्ञान गुरुदेव का है, ये इसमें गुरुदेव की भी प्रतिभा दिखती है। ज्ञान स्वभाव बंध का कारण नहीं है, अर्थात जानना देखना बंध का कारण नहीं है, जड़ कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, और अघाती कर्म के कारण मिले हुए संयोग भी बंध का कारण नहीं है। ये तीसरा पॉइंट जुड़ गया, ऊपर 2 थे, यहाँ नीचे तीसरा हो गया, क्यों ख्याल नहीं ना? ये बंध के कारण नहीं है, अपितु ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल कर जो कर्म के उदय अनुसार जुड़ान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है वह मोह राग द्वेष को अनुभवता है, वह बंध का कारण है। अब ये मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी और चात मोहिनी कर्म का उदय बंध का कारण है, इतनी सी बात। अब जो हमारा ये मान्यता थी ना कि जे इनकी ये कर्म का द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म और भाव कर्म का उदय फिर द्रव्य कर्म बने और द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म की तरफ से तो मतलब समझ लो 8 में से 7 कर्म नहीं बंधे, उनने वो परंपरा आगे नहीं बढ़ाई, एक मोहिनी कर्म ने बढ़ाई, इसलिए असलियत में जो सारी चर्चा है वो मोहिनी कर्म की है और दर्शन मोह चारित्र मोह की है। एकत्व करते तो भोगते तो ये दर्शन मोह का काम है और राग देश 25 कसाएं ये चारित्र मोह का काम है। तब क्या रह गया? एकत्व करते तो भोक्तृत्व तो और 25 कसाएं ये बंध का कारण है और एक गेयार्थ प्रणमन वाले के होती है, इसलिए वो सारी परंपरा उसके बनती है। नहीं तो अनंत भगवान के 4 अघातिया कर्म और उनके उदय से प्राप्त होने वाले जो भी संयोग थे, जो उन्हें बहुत से संयोग तो जन्म से ही थे ना, वे भी अभी हैं, शरीर है अभी, समूषण तो कहेंगे बाद में आया है, बहुत से संयोग तो बाद में आए हैं, लेकिन शरीर तो तभी से है ना, वज्र सब नारा शरीर
समचतुर संस्थान, ये सब ये चीजें हैं अभी, और ये परिक्रमा ही थी। और जब इनके लक्ष्य से मोह राग द्वेष करते थे तो इन्हें महापरिग्रह ही कहा था, और ये कह दिया था कि वो परिग्रह से नारकेशायुषा, अल्पारम्भ परिग्रह से नारकेशायुषा भी कह दिया था। लेकिन अब वे है मौजूद, अब वे नरक आयु के बंध के कारण तो नहीं है ना वे, माने वो उनके प्रति जो हमारा एकत्व ममत्व और राग द्वेष है। अब देखो, अपन कहते हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि को अनंत गुणा बंध होता है, और वे हमारे पास है तो उससे अनंत में भाग बंद होता है। ये कैसे, ये तो अन्याय है ना, ऐसा लगता है ना। वो एक कुर्ता धोती टोपी हम पहने हैं, यही रूमाल रखे हैं, ये सब हमारे पास है, ये सब मैं ऋषि के पास। अब उसे अनंत गुणा ज्यादा क्यों, माने हमें जो संयोग मिले हैं अघात्या कर्मों के उदय से, वो हमारे पास है, और जो उसे मिले हैं वो उसके पास है, तो ये तो बराबर ही रह गए। लेकिन हम और हमें सिर्फ राग द्वेष होते हैं हमारे विकल्प में, समझे, राग द्वेष तो होते हैं, विकल्प तो होते हैं, लेकिन वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होते, अथवा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी विकल्प नहीं होते, सिर्फ करने संबंधी विकल्प होते हैं, समझ गए ना। तो ये वो अनंतानुबंधी है उसमें, इसलिए वो अनंत गुणा बंद होता है। अब यहाँ अनंतानुबंधी चली गई, इसलिए अनंत भाग बंद होता है। तो वो अन्याय कहाँ हुआ, बोले बिल्कुल वो तो वस्तु स्थिति है ना बिल्कुल। और अभी दर्शन वो चला गया, अभी भी चौथे गुण स्थान में जितना बंद होगा, पांचवें गुण स्थान में उससे बहुत कम होगा। असंख्यात गुणी में जरा कही ना, 11 स्थान है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक वगैरह, तो उनमें सम्यक दृष्टि से श्रावक माने पंचम गुण स्थान वर्ती, तो उसको असंख्यात गुणी में जरा कही ना, तो इतना वो तो अनंत गुणी तो वहां खत्म हो गई, अनंतानंदी से हो रही थी ना, लेकिन अप्रत्याखाना बयान से असंख्य गुणी हो रही थी, तो वो अप्रत्याखाना बयान गई तो असंख्य गुणी उमर गई। अब यहां तो मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते और गेयार्थ प्रणमन माने गे के लक्ष्य से होने वाला प्रणमन वो 12वें गुणस्थान तक भी होगा। अब तो देखो राग तो बंद तो 10वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है, राग देश मोह खत्म हो जाता है ना, राग देश तो राग देश से बंद होता है ना, तो ना सही, वो योग से होने वाला एक समय का प्रकृति प्रदेश बंद ही सही जो भी होता है, समझे ना, लेकिन वहां तक पूरी निर्बंध अवस्था नहीं है। तो एक अपना आपने देखा, एक स्वामी जी ने यदि जैसेनाचार्य का अध्ययन नहीं किया होता ये प्रवचन करने के समय, तो ये बात नहीं ला सकते। इसका मतलब ये कि भले ही अमृतचंद की टीका ही सामने रखते थे, लेकिन घर पे जैसेनाचार्य का भी वो गाथा को देखते थे। अरे वो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जैसेनाचार्य की टीका की हिंदी थी नहीं तब तक, अभी हुई है, किसी ने हिंदी नहीं की थी, वो अकेली संस्कृत में छाप देते थे, यहाँ अपने यहाँ से भी जब छपी थी पहले प्रवचन सार, तो अकेला अमरचंद की टीका छपती थी, फिर ये रहता था कि हम कहाँ जाएं वो लेने के लिए वो किताब, जो जयसेन की टीका अलग से। तो मैंने खुद संपादन करके जो जयपुर से यहाँ छापा था उसमें संस्कृत प्योर दे दिया था, तो हम तो उस संस्कृत से देख लेते थे, गुरुदेव तो उतनी संस्कृत भी नहीं जानते थे, तो जहां से भी जैसे भी उनने उपलब्ध की होगी और वो अपने पास रखी होगी, अथवा जैसे भी जिसके सहयोग से उसको देख लेते होंगे, और उसमें जो ये बातें थी वो इनके में बराबर आती हैं, इससे मालूम पड़ता है कि वो उस टीका को भी अपने पास रख करके देख कर प्रवचन करने के पहले देख लेते। बोलो।
हम लोग सब सुनते हैं ना गुरुदेव को, टेप सुनते हैं, एक अक्षर सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अभी इससे मालूम पड़ता है ना, क्योंकि अब हमने देखा हमको इसमें तो है ही नहीं, हम वो गुरुदेव ऐसा नहीं करते होंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने की पद्धति उनके ख्याल में नहीं थी। अब अपन ने किया ना कि अमृतचंद ने क्या किया और जयसेन ने क्या किया, तो फिर निकाला तो दो निकली, फिर गुरुदेव ने तीसरा निकाला, तो ये भी कहीं से निकला होगा। देखो आचार्य अमृतचंद यहाँ मात्र इतना ही कहते हैं कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, वह राग द्वेष बंध के कारण है, किंतु आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं कि ना ज्ञान बंध का कारण है और ना कर्मोदय बंध का कारण है, बंध का कारण मोह राग द्वेष भाव ही है ना। और फिर जो गुरुदेव के एक दो तीन, इसमें वो तीसरा और आ गया। अभी आप लोग भी स्वाध्याय करेंगे ना इसी शास्त्र को पढ़ के, तो ये ऐसा तुलनात्मक नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हैं, सब बुद्धि मनुष्य ही निकालते हैं, कोई तो आएंगे नहीं भगवान निकालने के लिए अभी यहाँ, लेकिन आप उतना उपयोग नहीं लगाते जितना उपयोग लगाना चाहिए। हम उतना उपयोग नहीं लगाते सूक्ष्मता से, तब वो बात हमारी समझ में नहीं। अच्छा इसमें क्या बात है, इसमें ऐसी क्या ज्यादा अकल की बात है कि ज्यादा बुद्धि तेज होगी तो निकाल सकते थे। क्या देख लगा, क्या करना है रमेश? सिर्फ देखना है कि जयसेन ने क्या अर्थ किया, अमृतचंद ने क्या अर्थ किया, तो अंतर दिख जाएगा ना अपने आप, दिख जाएगा कि वो दो कहेंगे वो तीन कहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं दोनों को भी पढ़ लेते हैं, तो उस वक्त वो पढ़ जाते हैं ये पढ़ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा ख्याल नहीं करते हैं कि वो इसमें क्या फर्क पड़ गया। देखो अब वो पांडे राजमल जी का है ना, वो कलश टीका निकाल निकाल के बताते थे, तो वो भी इसमें जोड़ दिया उनने। अब हमें समय सार में दिखता नहीं है, अब वो कलश टीका में आ जाता है, अब फिर वो बनारसी दास जो बोलते हैं तो वो कलश टीका से बोलते हैं, तो वो बनारसी दास का आ जाता है, बनारसी दास का कलश बोलते ही। तो वो उन्होंने बारीकी से पढ़ा था ना, उस कलश टीका को भी पढ़ा था। अब मूल कलश टीका तुम पढ़ के देखना कि तुम तो राजस्थानी हो ना, फिर तुम्हें कितनी आती है। तुम मारवाड़ी में घरों में बोलते हो ना सब लोग, सेठिया लोग कलकत्ते में रहते तो मारवाड़ी बोलते हो ना, फिर तुम्हें कैसी मारवाड़ी आती है, तो जरा उनकी देखना पांडे राजमल जी की कलश टीका की मूल भाषा, तो कुछ नहीं आएगा तुम। लेकिन उनके पास उस वक्त नहीं थी, गुरुदेव के पास। अभी तो पंडित फूलचंद जी से उनने करवाई खड़ी बोली में थोड़ी बहुत, लेकिन पहले नहीं थी, लेकिन उसी कलश टीका से उनने वो रहस्य निकाले, समझे। अब यहां मैं पढ़ रहा हूं क्या, ज्ञान स्वभाव बंध का कारण नहीं है, अर्थात जानना देखना बंध का कारण नहीं है, जड़ कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, और अघाती कर्म के कारण मिले हुए संयोग भी बंध के कारण नहीं है, अपितु ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर जो कर्म उदय अनुसार जुड़ान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है वह मोह राग द्वेष को अनुभवता हुआ बंध का कारण है। काफी स्पष्ट हो गया। एक तरफ कर्म का उदय वर्तमान है और एक तरफ त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है। अब वर्तमान ज्ञान पर्याय त्रिकाल स्वभाव का आश्रय नहीं लेकर कर्म तरफ झुके, कर्म तरफ झुके माने कर्म के उदय से जो चीज प्राप्त हुई है उसमें अपने उपयोग को लगाए, इसका नाम कर्म तरफ झुके, तो वह मोह राग द्वेष करता है। और कर्म का उदय होने पर भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव तरफ झुकाव रखे तो मोह राग द्वेष नहीं होते। तो मतलब एक रास्ता खुला हुआ है। वो कहते हैं क्या करें, जब वो अभी दर्शन मोह का और चात्र मोह का उदय होगा तब हमें तो करना ही पड़ेगा ना राग द्वेष मोह, कहते ऐसा नहीं है, संयोग तो मिल गए अघातिया कर्मों से। अभी एक कर्म के उदय हो और उस वक्त उपयोग उनकी तरफ झुके, चाहे तो नहीं भी झुके, मतलब ऐसा एक अवसर है, माने वो मुक्ति व आरक का रास्ता आत्मा के पास है। देखा ना दो भेद किए ना, स्वभाव का आश्रय नहीं लेकर कर्म तरफ झुके तब मोह राग द्वेष करता है, और कर्म का उदय होने पर भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव तरफ झुकाव रखे तो मोह राग द्वेष नहीं होते हैं।
उसमें तारतम्य है, कभी कम होते हैं, नहीं होते हैं, मंद होते हैं, आप समझ गए ना। जैसे देखो यहाँ द्रव्य कर्म का उदय आवे तो भाव कर्म होगा ही, इस बात से इनकार करते हैं ये गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव का है सब, तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, नहीं ये बात नहीं है। देखो इसे इनकार करते हैं क्योंकि जड़ द्रव्य कर्म का उदय संसारी को सदा ही है। संसारी जीव के ऐसा कौन सा काल है जब जड़ कर्म का उदय नहीं है। यदि हमारे को झुकना अनिवार्य हो तो फिर सदा मोक्ष का मार्ग कभी शुरू होगा ही नहीं। किंतु उस समय ज्ञान पर्याय ज्ञाता स्वभाव में जुड़ान करे तो कर्म खिल जाते हैं, ये रास्ता खुला हुआ है। स्वरूप की सावधानी धर्म है और गेय की सावधानी अधर्म। क्या स्वरूप की सावधानी धर्म है और गेय की सावधानी अधर्म है? अभी गेय की सावधानी अधर्म है कहा ना, अभी अपन बस गेयों से घृणा करने लगेंगे। और अभी मैंने निकाला था, फिर मैंने निशान लगाए थे, ये तो किताब दूसरी है। आगे की गाथाओं में बहुत स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से सौ और पर को एक साथ जानता है। एक साथ जानने की सिद्धि बहुत दृढ़ता से इसमें की है। वो जिसमें मैंने निशान लगा दे वो तो किताब घर पे रखी है भाई, नहीं नहीं लाने की जरूरत नहीं है, काय को लाना। मिलेगा तो मैं अभी यही बता देता हूँ आपको, नहीं तो फिर आएगा, आना तो है ही। देखो पेज नंबर 235 निकालो, पढ़ता रहता आगे, तो मैंने यहाँ निशान लगा दिए थे, निकल गया। आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, मिला स्वयं को जानने पर को जानता है, एक ही साथ दोनों को जानता है। देखो दोनों को एक साथ जानने का है ना, पर को जानना अपना स्वरूप है, ये कोई विकार नहीं है। पर को जानना जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों को जानता है, वैसे ही स्वयं को और पर को दोनों को एक साथ ही जानना होता है। लगा ना, साधक दशा में भी, अब ये तो अरहंत भगवान तो करते ही हैं, साधक दशा में भी स्वपर को जानने का स्वभाव है। स्व को जाने और निमित्त और राग को नहीं जाने ऐसा नहीं बनता, और राग को जाने और स्वा को नहीं जाने ऐसा भी नहीं बनता। यहाँ स्वपर को जानने की बात है। देखो फिर आगे, वह ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर को जानता है, दोनों को युगपत जानता है, एक साथ जानता है। कोई कहे कि उसने आत्मा को जाना और पर को नहीं जाना तो यह बात झूठी है। पूरा प्रकरण पढ़ो कितनी दृढ़ता से, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि इतनी दृढ़ता से गुरुदेव ने कहा है, और वो कहते गुरुदेव ऐसा कहते, गुरुदेव ऐसा कहते, गुरुदेव के नाम पर आत्मा पर कोई जानते ही नहीं है। कितनी बातें कही नहीं, बोलो ये सब गुरुदेव के सब हैं शास्त्रों में गुरुदेव की बात। दुर्भाग्य से हम लोग कोई पढ़ते नहीं थे, अभी भी नहीं पढ़ते हैं। ये गुरुदेव पे हाँ आ गया उसमें आ जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, किताब कौन खोले। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं आएगा मरण समझ में, घबराना नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमने सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनाया और समय साहब प्रदन साहब परमागम सब छपा दिया, फिर गांव गांव में जिन लोगों ने परमागम मंदिर बनाए और उसमें भी समय सार वगैरह लिखवा दिए, थोड़े कम लिखवाए होंगे ज्यादा लिखवाए होंगे, है ना। किसी ने बहन जी के बचना में लिखा दिए, किसी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सूत्र लिखा दिए, किसी ने कुछ लिखा दिए, क्यों
मैंने वहां भी सोनगढ़ में उस वक्त भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि ये कोई आदमी आकर इनका स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा दो चार गाथाएं, आत्मख्याति टीका उन्होंने वैसी की वैसी लिखवा दी, खुदवा दी उसमें, है ना। वो कल लड़का बोल रहा था ना, अटक अटक के रट लेगा तो क्या होगा, रट्टू तोता बन जाएगा। और जितना जितनी शक्ति खर्च होगी ना उसमें रटने में, उतना काल असली स्वाध्याय का निकल जाएगा। इन 5 साल में वो अभी समय मिलता है तो मुफ्त में चला जाएगा, कुछ असली बात हाथ नहीं लगेगी। कोर्स में भी नहीं है, गुरुजी भी नहीं कहते ये याद कर, जो श्लोक याद करने के लिए बोलते हैं, छंद याद करने के लिए बोलते हैं, गाथा के लिए बोलते हैं, लेकिन वो गद्य का गद्य इतना रट जाओ आप, कहते तो आप संस्कृत के भी इतने विद्वान बनो, धड़ाधड़ संस्कृत बोलो, जैसे हिंदी में प्रवचन करते हो ना तो रट के थोड़ी इसमें से रट के थोड़ी बोलते हो, तो धड़ाधड़ अपने आप बोलते हो ना, ऐसी बोलो तो बोलो संस्कृत। तो मैं कहूंगा वैसी भी जरूरत नहीं है, क्यों कि एक भी श्रोता नहीं मिलेगा, क्या करो है। प्रेमचंद जी राव का कवि श्रेयांश जी तो मेरे से संस्कृत बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं सब, आप समझ रहे, मैं तो हाँ हूँ कर देता हूँ, हिंदी में ही जवाब देता हूँ, मैं उनको कभी संस्कृत में जवाब नहीं देता, कोशिश करूँ तो दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको अच्छा ही नहीं मानता। वे तरसते हैं कि एक आदमी मिल जाए हमसे, एक सेकंड दो सेकंड हम उससे बात कर लें। आपके जो भी अध्यापक आपको पढ़ाते होंगे ना, उनकी विचारों की यही दशा होगी, क्योंकि वो यही चालू भाषा नहीं है जिसमें आपको निरंतर बोलना है, जिसमें सभा को समझाना है, सरल भाषा जो हिंदी की भी। और कुछ लोग कहते नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ, जिसमें एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं आए और बिल्कुल कोई दूसरी उर्दू का नहीं आए, इसका नहीं आए, बोल बोल कर ऐसी बोलते हैं कि वो किसी की समझ में नहीं आए। तो मालूम कि सबसे पहले अपने जो राष्ट्रभाषा है वो कौन है, हिंदू हिंदी नहीं है, घबराना नहीं, हिंदुस्तानी है। गांधी जी आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताता हूँ, जब इनने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया और नेहरू जी गए रशिया, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री थे, कोई एकाध होगा मेरा गवाह इस बात का, रशिया गए तो वहां पर जो हिंदी के प्रोफेसर थे वो हिंदी के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में लागू कर देते हैं और सब लोग देश वाले तैयार करते हैं, क्योंकि दूसरे देश वालों से हमें संपर्क करवाना है, जासूसी करवाना है, तो वो बिल्कुल उनकी भाषा जानना चाहिए ना, तब तो वो छिप पाएगा यहाँ। तो वो गए तो उन लोगों ने जो हिंदी बोली वो नेहरू जी की समझ में नहीं आई, वो संस्कृत मिस्ट हिंदी, जैसे वो मजाक उठाते थे ना कि रेलवे को आवक जावक, अब प्लेटफार्म है, अब प्लेटफार्म के लिए तुम कुछ भी शब्द बोलोगे किसी को समझ में नहीं आएगी, स्टेशन प्लेटफार्म अंग्रेजी के शब्द हिंदी में मिल गए ना। तो वो जब नेहरू जी लौट के आए तो बहुत गुस्सा में थे कि नहीं ऐसी हिंदी हमें नहीं चाहिए, तो कह साहब हिंदी तो यही है, तो ये उन्होंने कहा जो हम बोलते हैं हमको ऐसी हिंदी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो हिंदुस्तानी है हिंदी नहीं है, तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाओ, समझे, हिंदुस्तानी में हिंदी का मतलब समझे ना, हिंदुस्तानी माने जो हम सब लोग बोलते हैं, जो हम जाकर सब्जी मंडी में भी बोल सकते हैं और सब्जी मंडी वाली बेचने वाली को भी समझ में आए, ऑटो रिक्शा वाले को भी समझ में आए, वो हमारी भाषा हिंदुस्तानी भाषा है, हमें वो चाहिए। ओके, हमको ये संस्कृत में से उतरे तो इसमें फंस गए, इसमें अंग्रेजी, यानी जो जो भाषाएं ऐसी हैं जो बोलने की भाषा नहीं रही हैं, सिर्फ लिखने की रह गई हैं, संस्कृत भाषा भी उनमें एक है, प्राकृत भाषा भी, आज की जो पोजीशन है वो एक है। देखिए आपको प्राकृत का जैसे मान लो जिनने चालू किया ना संस्थान, उनमें विद्यानंद जी मुनि महाराज भी हैं, देख सकते नहीं तुम्हें प्राकृत सीखना, तो हर एक को प्रेरणा देंगे प्राकृत सीखो, फलाना सीखो, एक ही हो ये सीखो। कुछ लोग तो रहे हमारे जानकार, जैसे कन्नड़ सीखो, प्राचीन लिपि पढ़ना सीखो, वे कौन पढ़ेगा कौन शिलालेख,
पुरानी कन्नड़ में लिखे ना वैसे शिलालेख। अब हमें तुम्हें शिलालेख पढ़वाना है तो हमारी पूरी जिंदगी तुम कन्नड़ में पढ़वा करके निकाल दो, वो हमारे और तो कहीं काम आएगी नहीं, वो फिर भूल भाल जाएंगे। मेरे से कोई बोलता है ना मेरे विद्यार्थी में, मैं सलाह क्या देता हूं, दे दू कि जो तुम्हारे पास जो भाषा है वो विश्व में सर्वाधिक लोग बोलते हैं उसे, हिंदी की बोलने वालों की जितनी संख्या विश्व में है किसी भाषा की नहीं है, अंग्रेजी की भी नहीं है। हर देश में बोली जाती होगी लेकिन एक लिमिटेड 2% 4% लोग जो ऊपर के होते हैं ना ऑफिसों में बैठे हैं बस वे बोलते हैं, बाकी जनता नहीं बोलती है। लेकिन हिंदी यहाँ पंजाब से लेकर बिहार के उस एरिए तक चारों तरफ जाओ, भले ही उनकी भाषा अलग भी होगी लेकिन हर गुजराती हिंदी जानता है और बोलता है, ऐसे पंजाबी लोग भी हिंदी जानते और बोलते हैं, और हिंदी भाषी जितने हैं वो भी बहुत लंबा एरिया है, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये तो प्योर हिंदी भाषी है, हरियाणा है, अब हरियाणवी कहते हैं वो हिंदी का ही एक रूप है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि तुम ऐसी भाषा में क्यों नहीं बोलो, ऐसी में लिखो तो तुमको अधिक पाठक मिलेंगे, अधिक श्रोता मिलेंगे, तुम्हारी बात को समझने वाले अधिकतम लोग मिलेंगे। और तो तुम्हें अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं ये तत्व ज्ञान तो तुमको पूछनी चाहिए। ये मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में ये बात लिखी है। क्या लिखी है देखो, तुम देखना कभी पढ़ना कि टोडरमल जी ने ढूंढारी में क्यों नहीं लिखा, मोक्षवाद प्रकाशक ढूंढारी में नहीं है, और संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, वो संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो मैंने ये सिद्ध किया है कि उनकी भाषा ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा उस वक्त साहित्य की भाषा थी हिंदी पूरे हिंदुस्तान की। आज देखो शांति जी, जितनी भी अपने पूजने हैं ना जी, जो अपन जिनको तो रिजेक्ट कर दे दिया और नई नई बनाई हैं और ये किया है, वे सारे पूजने महाराष्ट्र में भी वो पूजन की जाती है। महाराष्ट्र वालों के पास अपनी मराठी में एक पूजन नहीं है, अभी किसी ने बना ली हो तो बना ली हो। गुजरातियों के पास अपनी एक पूजन नहीं है, वे भी सब हिंदी की पूजन ही करते हैं। पंजाबी वाले, हरियाणा वाले, जितने भी लोग हैं यहाँ वहाँ आस पास वहाँ समझे, भोजपुरी वाले, ये सब हिंदी की पूजने करते हैं। आप समझो आपकी हिंदी की पकड़ कितनी मजबूत है, उन पूजनों की पकड़ कितनी मजबूत है। कोई एक आदमी इतने विद्वान हुए आपके मराठा में लेकिन किसी ने एक पूजा नहीं बनाई, बना नहीं पाई, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ये किसी को पता नहीं चलता, स्टडी करे तो पता चलता है कि यहां ये क्यों बोली जा रही। हम जाए श्रवण को बोला में तो श्रवण वेर गोला वाले भी यही पूजा कर रहे हैं, एक पूजा बाहुबली की जरूर ने बना ली है। तो जब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां से आते थे लोग कर्नाटक के, तो उनसे मक्खनलाल जी कहते थे कि तुम वो बाहुबली की पूजन बोलो, तो वे वो कन्नड़ में बोलते थे, तो उनसे भरत चक्रवर्ती वगैरह पढ़ते थे तो हम सुनते थे पूजने, लेकिन नहीं है किसी के पास पूजने नहीं है। तो इसलिए ये भाषा अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये सब पढ़ना, इसमें कितना आप ध्यान से पढ़ो यदि सुपर प्रकाशक का, तो मैं कहना 1000 जगह में बता सकता हूं। ना अभी कहां चल रहे थे अपन, पेज नंबर निकालो, 205 पे आ गए थे। स्वरूप की सावधानी धर्म है और गेय की सावधानी अधर्म है। अब से गेय की सावधानी अधर्म है, गेय को जानना अधर्म नहीं लिखा, जानना तो स्वभाव है। देखो फिर गेय में रमना, गेय के लक्ष्य से प्रयोग करना, अब इसके अंतर को हम नहीं समझ पाते, इन्हीं चीजों को हम निकाल निकाल के पर को नहीं जानना इसके पक्ष में प्रस्तुत कर देते हैं।
यह हरा है और यह पीला है, यह जड़ पदार्थ ठीक लगता है, यह ठीक नहीं लगता है, ऐसी कल्पना में अटकना विकार का अनुभव है। यह क्या गेयार्थ प्रणमन में अटक गया, तो क्या अटक गया, ये हरा है ये विकल्प है ना, तो जैसा है जैसा जान लो, अब ऐसा किया ना ये हरा, ऐसा भेद किया तो ये विकल्प की सीमा है। इसलिए अधर्म और स्वभाव का अनुभव धर्म है। भगवान आत्मा ज्ञान भाव है, आहार पानी देवगुरु शास्त्र आदि सभी गेयों को जानते हुए स्वभाव की सावधानी छोड़कर गेय की सावधानी में रुककर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना एक कर्म का अनुभव है। कर्म का अनुभव माने कर्म का भोगना है, धर्म का अनुभव नहीं। एक तरफ ज्ञान स्वभाव है, उसकी एकता सावधानी वह आत्मा का अनुभव है, और जब एक तरफ ज्ञान स्वभाव है और उसकी एकता और सावधानी वह आत्मा का अनुभव है। इसमें आत्मा के अनुभव में ऐसा उपयोग कौन न ले जाओ, ये कहाँ, उसमें हमारी एकत्व बुद्धि हुई और उसके प्रति हम सावधान है, यही अनुभव हो गया। आप समझ रहे, उपयोग कहीं भी हो, समझ में आ रहा दिलीप भाई, लिखा ना गुरुदेव ने, गुरुदेव का लिखा है। और स्वरूप की सावधानी छोड़कर पर पदार्थों में अनुकूलता प्रतिकूलता में सावधानी करना कर्म का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव नहीं है, आत्मा के धर्म का अनुभव नहीं है। अभी ये पढ़ लेना, समय हो गया है, पेज नंबर अगले पेज पर निकालो, फिर कल नहीं से इस गाथा को कल नहीं पढ़ूंगा, कल आगे की गाथा पे जाऊंगा, इसलिए मैं निकाल के बोल रहा हूँ आपको। पेज नंबर 206, उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यही है, मिल गया, कि यह तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा निरूपित सुविचारित कथन है कि प्रत्येक संसारी जीव के ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय सदा ही रहता है। अब वो कहता कर्म के उदय से विकार गारंटी से हो गई, तो कर्म ऐसा तो एक समय आएगा नहीं जब कर्म का उदय रहेगा। अब ज्ञानावरणादि कर्म का उदय रहेगा तो रहा है, उसका तो आगे भोग, वो तो अपने आप ही मर जाता है। थोड़ा ज्ञान कम होगा तो क्षयोपशम कम होगा, तो क्षयोपशम कम होने से कर्म का बंध नहीं होता, आप समझे ना, ज्यादा होने से कर्म का बंध रुक जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो ज्ञान से बंध का निरोध भी नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अलग है जिस ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध किया है। उक्त उदय जन्य कर्मांशों के होने पर उनमें ही चेतते हुए जो मोह राग देश भाव होते हैं, उन मोह राग देश रूप भावों से प्रणमित होने से ही यह जीव गेयार्थ प्रणवन रूप क्रिया से युक्त होता है। इसका नाम गेयार्थ प्रणवन क्रिया है, और इसी कारण उसके फल में प्राप्त होने वाले बंध का अनुभव करता है। इससे यही सुनिश्चित होता है कि गेयार्थ प्रणवन रूप क्रिया और क्रिया फल रूप बंध ना तो ज्ञान से होता है, देखो, ना जड़ कर्म से होता है, ना कर्मोदय से प्राप्त संयोग से ही होता है। बंध तो एकमात्र एकत्व बुद्धि रूप मोह और राग देश से ही होता है। अब एकत्व बुद्धि लिख दिया अकेली, चार लिखना चाहिए थी, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, लेकिन वो समझदार एक इतने में ही समझ जाए। हो गया, होगा निष्कर्ष क्या निकला बोलो, बताओगे, एक प्रश्न पूछता हूं, बंध का कारण क्या है, बोलो, खड़े खड़े हो, और क्या नहीं है, पकड़ते हैं लड़की, प्रतिभाशाली हैं, इस साल के लड़के के हमने बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, कर लेंगे।